सारी समर की विषय। अभी आपने जुडिशियल इंक्वायरी की दरखास्त दे दिया जी, इसके ऊपर कब तक जुडिशियल कमीशन बनेगा। दूसरी जानब सीएम की जो एक इंक्वायरी कमेटी थी वो अपनी तहकीकात करके जा चुकी है। अब इसके अलावा मजीद जो इंटरनल पहले उसका तो पता करो, कोई पता नहीं होना भी मेरा ना ठोक देता हो सवाल कर अपनी इंटरनल जो प्रो कमेटीज है अभी वो फाल है और आरपीओ साहब ने एक कमेटी बनाई थी जो फाल है। इस हवाले से आरपीओ की जो कमेटी तो पुलिस की जो चल रही है, क्या उस पे उससे आपसे कोई रब्ता किया गया इस हवाले से, या अगर मुस्तकबिल में आपको बुलाया जाता है वली दाद को बुलाया जाता है तो किस हद तक कोऑपरेट करेंगे आप इसमें? भाई जान मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इस घड़ी तक मुझसे किसी ने कोई रब्ता नहीं, ना किसी इंक्वायरी कमेटी ने, किस बात पे रब्ता करना है यार। यार ये झूठ है, घड़ा हुआ झूठ है, ये मड्डी लगी हुई है भाई, घड़ा हुआ झूठ है, मुझे बदनाम करने के लिए एक साजिश हुई है। झूठ बुलाना किस बात पे है? मैं कोई ये वलीदाद यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा है, वलीदाद स्टूडेंट रहा है, ये तो ओ लेवल का स्टूडेंट था तो मैंने बाहर भेज दिया था, वहां से उस दिन आया जिस दिन मैं इलेक्शन लड़ रहा था 2018 में, इसकी शादी हुई है और ये मेरे साथ अपना लग पड़ा है सियासत में। तो बात यह है भाई कि जो भी कमेटी मुझे बुलाएगी मैं सबसे पहले पेश होऊंगा, सबसे पहले, और जो कमेटी जिस तरह मुतमिन होना चाहेगी मुझे कहेंगे ना कि दो चार दिन वलीदार साढ़े वाले कर दो, मैं भी कर देंगे। ला जाओ तो राज के जिम्मे तफ्तीश होंगी, उन्हें तफ्तीश करो, कोई रौला को नहीं।